हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ दिनों पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी का गुजरात में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेशन कर दिया था। और रिसेंटली ऑनलाइन मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारी कंफ्यूजन उसके अगेंस्ट चल रही है और काफ़ी फाइटिंग चल रही है। इनफैक्ट कुछ लोग उसके सपोर्ट में, कुछ लोग उसके अगेंस्ट हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग बता रहे हैं कि क्यों वो बेटर है या क्यों वो बुरी है। तो अगेन जैसा कि मेरा नॉर्मल रिव्यू होता है चीज़ों के बारे में, तो कि कोई भी चीज़ ऐसे स्ट्रेटली ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, कोई भी चीज़ स्ट्रेटली बुरी नहीं होती, कोई भी चीज़ स्ट्रेटली अच्छी नहीं होती। हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपनी सोच या अपने थॉट्स शेयर करूं इस इशू के बारे में, तो वही मैं आज करना चाहता था। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि सबसे पहले तो समझने की चीज़ें ये हैं कि जब भी गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बनाती है तो वो दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं। या तो वो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो हेरिटेज या लीजर से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी मॉन्यूमेंट जो होता है वो बेसिकली हेरिटेज प्रिजर्व करने के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो एक तरीके का हेरिटेज रिप्रेजेंटेटिव है। और दूसरे तरीके के प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो पब्लिक यूजेज के लिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेट्रो हो गई, रेलवे लाइंस हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ये सब बेसिकली पब्लिक यूसेज की चीज़ें हैं, उनके काम की चीज़ें हैं जो उनके डेली यूज़ में आती हैं। लेकिन उसके अलावा एक लीजर एस्पेक्ट भी होता है लाइफ का, और एक हेरिटेज प्रिजर्व करना होता है कि हाँ, हमारी लाइफ की हिस्ट्री कैसे रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने स्पेस म्यूज़ियम या रेल म्यूज़ियम्स देखे होंगे, जो कि एक तरीके के टाइम को रिकॉर्ड करते हैं फिज़िकल एस्पेक्ट में, उस फिज़िकली उसको शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ऐसे पार्क्स हैं जहाँ आपको स्टफ्ड एनिमल देखने को मिल जाएंगे, जैसे वो जंगल में होते हैं, उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसको फिज़िकली प्रेजेंट करने की एक कोशिश होती है। वो होती वो भी पब्लिक यूजेज के लिए है, लेकिन उसका यूजेज लीजर होता है, और या फिर काइंड ऑफ एजुकेशनल, और जो ट्रांसपोर्ट या रोड्स या रेलवे या हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये इसेंशियल यूजेज की चीज़ें हो गई, जो कि पब्लिक को इसेंशियल यूजेज के लिए चाहिए। तो सबसे पहले तो समझने की बात है कि ये दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। तो कोई प्रोजेक्ट अगर नेसेसरी नहीं है तो उसको सिर्फ इस बेसिस पे डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्योंकि नेसेसरी या इसेंशियल यूजेज का नहीं है, तो उसे हम सिंपली डिस्कार्ड कर दें। तो एक तो मैं आपको ये पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा जिसके ऊपर आप अपनी सोच बना सकते हो, क्योंकि कई लोगों का ये कहना था, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि अगर इतना बड़ा स्कूल बना देते, अगर या फिर इतना बड़ा हॉस्पिटल बना देते, या इन पैसों से कोई ट्रांसपोर्ट का मीडियम बना देते, ऑफकोर्स बना सकते थे, और वो चीज़ें भी बना रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो बना देते तो वो गलत होता है, इसको नहीं बनाते तो गलत होता। ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा कि उसकी प्रेफरेंस क्या है और उसकी प्रायोरिटी क्या है। मैं सिर्फ ये चीज़ क्लियर करना चाहता था कि ये दो तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, जो कि शायद जब आप किसी चीज़ पे अपनी फर्स्ट थॉट डालते हो तो माइंड में नहीं आया होगा। दूसरा क्वेश्चन इसकी वैलिडिटी को एग्जामिन करने के लिए आप अपने आप से ये पूछ सकते हो कि इंडिया एक मीडियम अर्निंग वाली कंट्री है, पुअर कंट्री नहीं है ना ही रिच कंट्री है। इंडिया की ऑलमोस्ट $2,000 पर कैपिटा इनकम है, और बट पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया थर्ड पे है। तो यानी कि लिविंग इन इंडिया इज़ चीपर एज़ कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज़। तो इस हिसाब से इनफैक्ट मैं श्योर नहीं हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, $2,000 पर ईयर है पर कैपिटा इनकम, या फिर $5,000 to $6,000 पर कैपिटा पर ईयर है इंडिया की इनकम। तो मैं श्योर नहीं हूँ, आई नो ये बहुत बड़ा गैप है, लेकिन
इसी के बीच में कुछ है। तो ये है पर कैपिटा इनकम एवरेज। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या इंडिया में गरीब लोगों की भी है, बहुत बड़ी परसेंटेज में लोग बहुत गरीब हैं जो बहुत बेसिक एसेंशियल चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत बुरे हालात में रह रहे हैं, आप सब जानते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैग्नीफाई करके ज़्यादा अच्छे से समझाया जा सके। तो ये भी अगेन किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल सोच पे डिपेंड करता है कि क्या आप टाइम के साथ साथ हेरिटेज बिल्ड करते हुए चलना चाहते हो, या आप ये चाहते हो कि फर्स्ट हमें हर गरीब की गरीबी को मिटाना है अपने देश से, उसके बाद ही हम कोई हेरिटेज बिल्ड करना शुरू करेंगे। क्योंकि गरीब तो दुनिया के सबसे अमीर देश यूएसए है, उसमें भी बहुत है, मिलियंस की संख्या में गरीब है, मिलियंस की संख्या में वहाँ पे गरीबी, जो उनकी पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे लोग रह रहे हैं, जो घर खाना मेडिकल की सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो भी अपना हेरिटेज बनाते हैं। और उनके यहाँ भी जो उस सोच के लोग हैं जिनका ये मानना चाहिए कि ये पैसे अगर पब्लिक एसेंशियल्स पे, पब्लिक सर्विसेज पे खर्च होते तो ज़्यादा बेटर होता, तो ये चीज़ सिर्फ हमारी, ये फिनोमेना सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं है, ये फिनोमेना उनकी कंट्री में भी है। तो अगेन ये भी चीज़ नुआंस्ड है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, किसकी प्रेफरेंस क्या है, किसकी सोच किस तरह की है। कुछ लोग मिनिमलिस्ट सोच के होते हैं, उनका मानना होता है कि हेरिटेज रिकॉर्ड करना नेसेसरी नहीं है, तो इसलिए पैसा वहाँ लगना चाहिए जो नेसेसरी चीज़ें हैं, उस नज़र से ये गलत है। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि पैसा इम्पोर्टेंट लाइफ में एक हद तक है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ है, और कंट्री की क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर कंट्री का रिकॉर्ड, उसका हेरिटेज एक बहुत बड़ा पार्ट होता है उसका। तो उन लोगों का ये मानना हो सकता है कि नहीं, कुछ पैसे इस चीज़ के लिए भी ज़रूरी हैं, क्योंकि हर चीज़ को बैलेंस के साथ लेके चलना चाहिए। तो अगेन आप अपना माइंड इसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सोचने लायक है कि ये स्टैचू है गुजरात में, क्योंकि सरदार पटेल जी भी गुजरात से थे। तो ये और गुजरात स्पेसिफिकली गुजरात कोई पूरे इंडिया से अगर आप एवरेज कंपेयर करोगे तो इतना ज़्यादा पुअर स्टेट नहीं है। गुजरात इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है और वन ऑफ द रिचेस्ट फ्यू स्टेट्स में से है इंडिया के। और इस तरह के मॉन्यूमेंट्स बनाने का डिसीजन या फिर इसका राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है। तो अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि क्या ये सही है गलत है ये जानने के लिए, तो आप लोग इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब इंटरनेट है, इन्फॉर्मेशन की कोई पे कोई रोक नहीं है, आप जाइए फाइंड आउट करिए कि ये प्रोजेक्ट गुजरात गवर्नमेंट का है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। मैं किसी भी पार्टी या किसी भी नेता को सपोर्ट करने के लिए ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप ये एज्यूम कर लेंगे कि ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बनाया है, तो इस पे जो इसकी बुराई करना या इसके बारे में स्केप्टिकल नज़रिया रखना तो जस्टिफाइड हो सकता है। बट अगर ये गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इसे बनाना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों को पता हो तो महाराष्ट्र में इससे भी बड़ी एक स्टैचू बन रही है शिवाजी की, जो कि समुंदर के अंदर जाके बनेगी। समुंदर के अंदर से मेरा मतलब है थोड़ा ऑफ शोर आगे जाके, जैसे ऑफ शोर ऑयल ड्रिल्स होते हैं उस तरह से। तो वो प्रोजेक्ट गुजरात गवर्नमेंट का है, अब सॉरी वो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, आई एम सॉरी। अब ये प्रोजेक्ट गुजरात गवर्नमेंट का है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इस बात से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट गुजरात एक रिच स्टेट है इंडिया का बेसिकली। तो अगर वो अपनी हेरिटेज को सेव करने के लिए पैसे लगाना चाहते हैं, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करना या फिर प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम करना किसी भी नज़रिए से आई थिंक जस्टिफाइड नहीं होगा। लोग कह सकते हैं कि बट इनॉगरेट तो प्राइम मिनिस्टर ने किया था, वैसा होता है क्योंकि ऑफ कोर्स हेड चेयर कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर की होती है। तो कोई अगर ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, और स्पेशली बिकॉज़ प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त हैं
उनका होम स्टेट गुजरात है, और उनके होम स्टेट में अगर कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो वहाँ जाके उनका इनॉग्रेट करना बहुत ज़्यादा अजीब नहीं लगना चाहिए। बट अगेन आप लोगों पे है, फाइंड आउट कीजिए और अपना डिसीजन खुद बनाइए, क्योंकि जो लोग इस चीज़ पे बिलीव करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने पैसे वेस्ट किए हैं, तो उनके पीछे उनकी रीज़निंग ये है जो कि लॉजिकल है, उसके पीछे लॉजिक बनता है कि वो लोग इस एंगल से देख रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त कंट्री में, वो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें बना के जो एक पॉलिटिकल जिंगोइस्टिक आइडियलिस्टिक टाइप के जो लोग होते हैं कंट्री में, जो क्योंकि हर कंट्री में एक राइट विंग होती है, यू नो राइट विंग सिंपल वर्ड्स में राइट विंग जो लोग होते हैं, उनकी सिंपथी उनकी वैलिडेशन गेन करना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स इस मूर्ति या फिर इस स्टैचू के बेस पे कौन वोट करेगा, उनकी पार्टी को या उस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को, या फिर कौन उनको सपोर्ट देगा, कौन उनको वैलिडेशन देगा, वही लोग जो पॉलिटिकली थोड़े से बफ यू नो थोड़ा राइट विंगर हैं, थोड़े से राइट विंग की सोच रखते हैं, थोड़े से ज़्यादा पैट्रियोटिक जिंगोइज्म में जिनका विश्वास है, क्योंकि जो लोग मिनिमलिस्ट सोच के होंगे वो तो इससे इनफैक्ट थोड़ा सा यू नो रिपेल होंगे इस प्रोजेक्ट से। तो और वैसे जो राइट विंगर लोग हैं वो तो ऑलरेडी ही जो रूलिंग पार्टी है करंटली बीजेपी या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनके वैसे ही सपोर्टर हैं। आप किसी भी इनफैक्ट आई थिंक जो आज के टाइम में सेंटर में भी है वो भी बीजेपी सपोर्टर है, और यही रीज़न है कि उनकी इतनी बड़ी मेजॉरिटी है कंट्री में। अदरवाइज़ इतने ज़्यादा स्टेट में उन्होंने इलेक्शन नहीं जीते होते, इतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं होती। अगेन मैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप बता सकते हो श्योरली मुझे, बट मैं सिर्फ फैक्ट और उससे कॉज एंड इफेक्ट का लॉजिक डिड्यूस कर रहा हूँ। तो वो लोग ऑलरेडी ही सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग और वो ऑलरेडी ही करेंगे, वो लोग कभी कांग्रेस या किसी और पार्टी को वोट नहीं देने वाले, और ये जितने भी पॉलिटिकल स्फेयर के लोग हैं वो समझते हैं ऑलरेडी। तो ऑलरेडी जो लोग इम्प्रेस्ड हैं उनको और इम्प्रेस्ड करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की, और कुछ और लोगों को नाराज़ करने की या फिर एक क्रिटिसिज्म का रीज़न देने की वजह मुझे समझ में नहीं आती। बट अगेन फाइंड आउट एंड मेक योर ओन डिसीजन, डिसाइड योर ओन माइंड, बिकॉज ये काफ़ी सब्जेक्टिव हो सकता है। सो अपने हिसाब से फैसला कीजिए, और वैसे ही मैं कौन होता हूँ कहने वाला, आप करोगे भी अपने हिसाब से। अब इस चीज़ का एक एस्पेक्ट और है, और वो एस्पेक्ट ये है कि ये पूरा प्रोजेक्ट फ़ायदे की डील है या नुकसान की। ये प्रोजेक्ट फ़ायदे का है मनी वाइज, पैसे वाइज, या नुकसान का देश के लिए, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को इससे आर्थिक तौर पर फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, पैसे के पैसे में यू नो मनी, व्हाट अबाउट मनी। तो अगेन ये भी बहुत सब्जेक्टिव बात है, फ़ायदा बेसिकली सब्जेक्टिव बात है, क्योंकि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपकी फ़ायदे की डेफिनेशन क्या है। किसी बंदे की फ़ायदे की डेफिनेशन ये होती है कि भाई मेरे जितने पैसे लग जाए मुझे मतलब नहीं, मुझे माल चाहिए ज़बरदस्त। आप जानते होंगे अपने आप को और अपने दोस्तों को, हर फ्रेंड ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं, मेरे फ्रेंड ग्रुप में लोग हैं ऐसे। आप शूज़ लेने जा रहे हो, आपको कि भाई पैसे की टेंशन नहीं है, जूते बढ़िया मिलने चाहिए, ठीक है। बट एक और कैटेगरी होती है, वो कहती है भाई जूते कैसे भी हों मुझे कोई चक्कर नहीं, मुझे सिर्फ जूते चाहिए, मुझे जूते से मतलब है, इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगने चाहिए, ठीक है। अब डील की डेफिनेशन उन दो लोगों के लिए अलग है। एक बंदे के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसे की लिमिट है, वो उस लिमिट से आगे नहीं जा सकता, उसके लिए लिमिट इंपॉर्टेंट है। दूसरे बंदे के लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए लिमिट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी, जो लोग थोड़े से राइट विंग की सोच के होते हैं, या फिर जो लोग थोड़े से हेरिटेज सपोर्ट की सोच में होते हैं, या फिर जो लोग थोड़े से लाइफ की क्वालिटी की साइड से सोचने वाले लोग होते हैं, उन लोगों के लिए चीज़ मैटर करती है, चीज़ की ग्रैंडियोस किसी चीज़ का मैटर करता है। आप शादियां देख लो, एक रात की शादी होती है और उसमें करोड़ों करोड़ रुपए लोग फूंक देते हैं। क्यों? ये नहीं है कि उनके पास उतने पैसे एक्स्ट्रा है, वो लोग कर्जे लेके पैसे फूंकते हैं लोग अपनी शादियों में। क्यों? उनको एक ग्रैंडियोस पेश करना होता है। तो अगर आप वैसे बंदे की
किसे ये क्वेश्चन पूछोगे कि यार जो बंदा दिवाली में 1 लाख, यार लाख लाख रुपए के पटाखे उड़ा देते हैं लोग, मतलब बेसिकली 1 लाख रुपए को आग लगा रहे हैं। मैं उसे सपोर्ट नहीं करता, खुद मैं एक छोटा पटाखा भी नहीं जलाता, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। तो अगर आप एक वैसे इंसान से पूछोगे कि भाई दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बना रहे हैं, तो वो फ़ायदा नहीं देखेगा, वो ये देखेगा भाई दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और मेरी कंट्री में होगी तो मैं देखने जाऊंगा, ये तरीका होता है। बट जो दूसरा वाला बंदा है वो कह रहा है कि 400 रुपये या फिर 500 रुपये से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, सिर्फ जूता जूता लेना है। वो कहेगा भाई बहुत पैसे लग गए और फ़ायदा नहीं है इस चीज़ में, इसकी टिकट से उतने पैसे नहीं आएंगे जितने जितने पैसे इसमें लग चुके हैं ऑलरेडी। तो अगेन सब्जेक्टिव है, आप क्या इंसान हो, आप कौन इंसान हो, इस हिसाब से डिपेंड करेगा कि आप इसे एक प्रॉफिटेबल डील देखते हो या नहीं देखते। जो लोग राइट विंगर हैं थोड़ी सी मार्क्सिस्ट टाइप की सोच रखते हैं, या सॉरी, जो लोग लेफ्ट विंगर्स हैं और थोड़ी सी मार्क्सिस्ट या मिनिमलिस्ट टाइप की सोच रखते हैं या फिर सोशलिस्ट टाइप की सोच रखते हैं, उन लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये एक पैसे ही बर्बादी होगी। जो लोग राइट विंगर हैं, जो लोग मनी मार्केट के हिसाब से सोचते हैं, उन लोगों के लिए ये एक अच्छी डील होगी। एक क्योंकि एक सिग्नल जाता है ना इस चीज़ से कि जिसके पास पैसे होता है वही सजावट की चीज़ें बना रहा होता है अपने घर में। तो वर्ल्ड लेवल पे भी इससे अगर कंट्री को आप एक घर लो और दुनिया को एक मोहल्ला या गांव लो, तो जो अच्छा बड़ा घर बनवा रहा होता है उससे सब मोहल्ले में ये मैसेज आता है कि भाई इसके पास पैसे बहुत है ना। तो इकोनॉमी के बूम का एक सबटल मैसेज भी जाता है इससे, और इसके बारे में डिसीजन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने पर्सपेक्टिव से ले सकते हो। अब यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो पैसे को पकड़ के रखते हैं यानी कि थोड़े से सोशलिस्ट सोच के लोग, एक होते हैं जो पैसा स्पेंड करके पैसा कमाने वाले लोग होते हैं, वो पैसे को चलाना चाहते हैं। तो क्या आप पे डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से सोचते हो, और दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ज़्यादातर सब्जेक्ट्स की तरह ये भी एक नुआंस्ड इशू है और इसके भी पर्सपेक्टिव हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से कि आपने क्वेश्चन पूछा किस पर्सपेक्टिव से है। पर्सनली अगर मेरा मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया एज ए कंट्री जिस सिचुएशन में अभी है, तो किसी भी प्रोजेक्ट की वैलिडिटी इस बात से डिसाइड होनी चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी इस बात से डिसाइड होनी चाहिए कि लाइन में खड़ा हुआ जो एंड का इंसान है, आप सब लोगों ने एनसीईआरटी की शायद बुक्स पढ़ी होंगी, तो एनसीईआरटी की बुक्स में एक गांधी जी का जंतर होता था, एक फर्स्ट पेज पे एक छोटा सा थॉट प्रोसेस, एक थिंकिंग टेक्निक थी वो एक तरीके की। पता नहीं कितने लोगों ने उसको पढ़ा, लेकिन मैंने उसको पहले ही बार जब देखा था, आई थिंक जब मेरे को ठीक से थोड़ा बहुत पढ़ना आ गया था सेकेंड या थर्ड लेवल में, तो मैंने उसको तभी से पढ़ा था और कई बार पढ़ा था। तो उसका बेसिकली मतलब ये था कि लाइन के एंड में जो बंदा खड़ा है ना, जो सोसाइटी के सबसे नीचे है, अगर उस तक ट्रिकल डाउन जा रहा है किसी भी रिसोर्स फ्लो का, तो वो जस्टिफाइड रिसोर्स फ्लो है। तो इसी तरीके से मेरा ये कहना है, अगर इस स्टैचू से 100 गरीब लोगों को भी फ़ायदा हुआ, तो मेरे लिए ये जस्टिफाइड है, क्योंकि हेरिटेज प्रजर्वेशन के नज़रिए से तो ये वैसे भी काम कर ही रहा है। अगर कुछ गरीब लोगों का भला हो जाता है इसके साथ, और शायद मुझे लगता है शायद 100 गरीब लोगों का तो होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ शॉप्स भी खुलेंगी, लोग भी आएंगे। बाकी अगेन इसकी जस्टिफिकेशन हर इंडिविजुअल के तौर पे दी जा सकती है, लेकिन मैं इससे दुखी अब इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अब ये बन चुका है। हाँ, अगर ये बनने से पहले कोई पब्लिक वोट होता तो मैं और ज़्यादा सोचता और डीपली शायद चीज़ों को एनालाइज़ करता, उस एरिया की पॉपुलेशन को एनालाइज़ करता, डेंसिटी क्या है वहाँ, उस जगह की एक्सेस कैसी है ट्रांसपोर्ट वाइज, इन चीज़ों को एनालाइज़ करता, उसका प्रमोशन कैसे हो सकता है, इन चीज़ों को एनालाइज़ करता। लेकिन क्योंकि अब ये बन चुका है, तो लोग सिर्फ एक दूसरे की पार्टी पे, इट्स हैज़ बिकम एन इशू ऑफ बीजेपी एंड ऑपोजिशन, और एनडीए एंड ऑपोजिशन, सिर्फ या फिर एक प्राइम मिनिस्टर पे सिर्फ कीचड़ उछालने के लिए, जस्ट एज ए रीज़न के तौर पे अगर इसको इस्तेमाल करना है एक दूसरे से लड़ने के लिए, तो वो ये गलत, उस चीज़ के तौर पे इसका इस्तेमाल करना गलत है। और मुझे लगता है कि लोग वही डिसीजन लेंगे, वही पर्सपेक्टिव अपनाएंगे इस चीज़ पे
जिस तरीके का उनका इनहेरेंट नेचर होगा, जैसा कि मैंने बताया मिनिमलिस्ट या फिर एक्सपेंसिव। तो अगेन होपफुली इससे थोड़ी बहुत अवेयरनेस फैलेगी। और आप लोगों का टाइम देने के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।